वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हमें टर्म सिंबल हम किस तरह से निकाल सकते हैं या फिर एटॉमिक टर्म्स टर्म सिंबल और टर्म में डिफरेंस है। अगर देखो 2s प्लस 1 एम जे, अगर ये है जनरल फॉर्मूला तो ये होता है टर्म सिंबल के लिए, ये है टर्म सिंबल। और अगर सिंपली है 2s प्लस 1 और एल तो ये होती है टर्म। तो इस वाली वीडियो में हम सीखेंगे कि एटॉमिक टर्म या फिर एटॉमिक टर्म को हम और क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। तो यहां पे हम सिर्फ टर्म की बात करेंगे, हम सिर्फ एटॉमिक टर्म्स निकालना सीखेंगे या फिर एटॉमिक टर्म्स को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स। इसे नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगी कि टर्म सिंबल किस तरह से निकालते हैं, क्योंकि अगर ये आ गए तो फिर तो ये भी बहुत इजीली आ जाएगा, ठीक है। और इसमें क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, देखो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इस हिसाब से पूछ सकते हैं इसके एटॉमिक टर्म क्या होगी इस वाली कॉन्फिगरेशन के लिए। या फिर आपसे पूछ सकते हैं कोई भी आपको मेटल दे देंगे, सपोज निकल 2+, उसके लिए आपको बतानी है एटॉमिक टर्म क्या होगी, या फिर D4 लो स्पिन नहीं देंगे और आपको बताना है कि क्या होगी एटॉमिक टर्म। तो मैं आपको बता दूं कैसे निकालते हैं हम ये सारे सोल्व कर लेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखो मैं एग्जांपल से स्टार्ट करती हूँ, 2p1 3p1। आप क्या करोगे, p है ना, आप p ऑर्बिटल्स ड्रॉ करो, तीन हो गए, ये 2p के लिए मैंने ड्रॉ किया है और यहां पर मैं 3p के लिए ड्रॉ कर देती हूँ, ये लेट्स से 3p के लिए ड्रॉ कर देते हैं और ये है 2p के लिए। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, 3p में भी एक इलेक्ट्रॉन है ना। अब आपको पता है p के लिए क्या होती है वैल्यूज, +1 0 -1, यहाँ पे p है तो +1 0 -1। अब एक किस तरह से लिखते हैं, आपको पता ही होगा कि हम क्या करते हैं, एक एक माइनस करते हुए चलते हैं ना। तो जैसे s क्या होता है 0, p होता है 1, d 2, ऐसे ही f 3। तो उससे जो वैल्यूज होती है वो तो 0 ही रहेंगी l की वैल्यूज, और यहाँ पे क्या हो जाएंगी, अगर बात करें एल की, जो क्वांटम नंबर आपने पढ़े होंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एसिमेटल क्वांटम नंबर, तो उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पे, एल के एसिमेटल क्वांटम नंबर। तो पी के लिए क्या होता है +1 0 -1, ऐसे ही डी के लिए +2 +1 0 -1 -2। मैं कैसे कर रही हूँ, जो टू की वैल्यू है यहाँ पर, तो मैं क्या करती जा रही हूँ, उससे एक ही माइनस करते हुए लिख रही हूँ, +2 से एक माइनस किया 1, 1 में से एक माइनस किया 0, देन -1 देन -2, इस तरह से एक ही माइनस करते जाना है। एफ के लिए 3 होती है तो +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, इस तरह से। और यही से आते हैं हमारे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कि जो पी सबशेल है उसमें एक्चुअली हमारे पास क्या होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे यहां मैंने ड्रॉ किए हैं। ऐसे डी की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे क्या हो गए 5 ऑर्बिटल्स, ऐसे एफ के लिए 7 ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक है, आपने क्या क्या हमें ड्रॉ कर लिए हैं। अब हमें हमारे फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए, 2s+1, यहाँ पे एस क्या होती है स्पिन, है ना, और एल क्या होता है एजिमेटल नंबर, जो ये है एजिमेटल क्वांटम नंबर, इन सबका समेशन। तो हम देखते हैं किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्पिन की, तो स्पिन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी स्पिन आ रही है, अगर मैं यहां से बात इसकी S1 लिखते हैं, इसकी स्पिन कितनी होगी, हाफ। अगर मैं इसको S2 लिख दूं तो ये कितनी रहेगी स्पिन, इसकी भी हाफ, है ना। अब अगर मुझे S निकालना है, जो ये वाला S है ये क्या होता है, समेशन है इन सारे S का। जो ये देखो, जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है, जो स्पिन है, उसको मैंने स्मॉल S से रिप्रेजेंट किया है, और जो यहाँ पे फॉर्मूला है उसमें कैपिटल S से है। तो यहाँ पे जो S है वो तो एक्चुअल में क्या होगा, S1 + S2, ये लगाते हैं यहाँ पे, लगाते हैं इसे मॉड्यूलस, और कहां तक जाएंगे इसकी वैल्यू, S1 - S2 तक। S निकालने का ये होता है फॉर्मूला, मतलब जितनी भी स्पिन है उन सबका समेशन, और लास्ट में दोनों का सब्ट्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या है, हाफ, S2 की वैल्यू भी क्या है, हाफ, यहां से लेकर लिखा जा रहा है ½ - ½। तो ½ + 1 बीच में कॉमा लगाएंगे हम, और ½ - ½ 0। इन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए 1 का, अगर 1 का डिफरेंस नहीं है तो हम क्या करेंगे, 1 1 माइनस करके यहां तक पहुंच जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर इनके समेशन मेरा 2 आता और यहाँ पे 0 होता, तो मैं क्या करती, 2 - 1 1 1 - 1 0, तो मेरे पास ये होती 3 वैल्यू आ जाती एस की। अब समेशन से आ रहा है 1 और यहां से सबट्रैक्शन से आ रहा है 0, तो इन दोनों में डिफरेंस ऑलरेडी 1 का ही है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम इनको लिखेंगे, हमारे पास आ गई एस की वैल्यूज। अब हमें निकालनी है एल की वैल्यूज, अब एल की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। एल क्या होता है,
होता है, देखो जो ये वैल्यू है किसकी होती है, एल की वैल्यू है ये, और जो ये कैपिटल जो हमारा फॉर्मूला है 2s+1 यहाँ पे एल, तो ये एल क्या है, इन सबका समेशन, इन सबका समेशन। तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे एल की वैल्यू है +1 और यहाँ पे कितनी वैल्यू है, यहाँ पे भी +1, तो +1 +1 2, हमारे पास एल की वैल्यू आ गई है 2। और एल की वैल्यू अगर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ते जाते हैं, क्या होता है एस पी बी एफ जी एच, ठीक है आगे आई ऐसे हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो अब देखो, अब हमारे पास सब कुछ वैल्यूज है, हमारे पास एल भी अवेलेबल है, एस की वैल्यू भी हमारे पास, तो फॉर्मूला लिखते हैं 2 × s की वैल्यू क्या है, 1 भी है और 0 भी है, पहले मैं 1 का 0 कर रही हूँ, तो 1 2s+1, तो ये हो गया 2 × s की वैल्यू +1 और यहाँ पे क्या है एल, एल की वैल्यू कितनी है 2 और 2 के लिए क्या होता है डी, तो क्या हो जाएगा 2+1 3, तो हमारे पास टर्म क्या आ गई 3d, ठीक है। अब एक और निकल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 0 भी है, तो 0 का मैं रखूँ तो 2 × 0+1, और साथ में क्या है एल की वैल्यू, एल की वैल्यू 2 है और 2 के लिए होता है डी, तब हम लिखेंगे डी, 2 × 0 = 0+1, यहाँ पे आ गया 1d। तो इस वाली कॉन्फ़िगरेशन के हमारे पास दो टर्म्स अवेलेबल है, वो कौन से है, तो 3d और एक 1d, इस तरह से निकालते हैं। अब बाकी एग्जाम्पल्स इसी तरह से सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3p1 3d1, क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, p के लिए ऑर्बिटल्स ड्रॉ करते हैं, ऐसे ही d के लिए ड्रॉ करेंगे 5 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके लिए +1 0 -1 +2 +1 0 -1 -2, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है, यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, 2s+1/l, हमें तो निकालनी है इसकी वैल्यू, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पिन की वैल्यू कितनी है 1/2 और यहाँ पे भी स्पिन की वैल्यू कितनी है 1/2, हम फिर से निकालेंगे s, s की वैल्यू कहां से कहां जाएगी, s1 + s2 से लेके s1 - s2, और ये वर्ड का मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू अगर नेगेटिव में भी आ जाए तो उसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे 1/2 + 1/2, ये तो बिल्कुल लास्ट जैसा, ये लास्ट वाला एग्जाम्पल जैसा, यहाँ पे 1/2 - 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/2 + 1/2 - 1/2 0, ऐसे हमारे पास दो वैल्यूज है। उसके बाद निकालते हैं एल की वैल्यू, एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे कितनी है इसके लिए +1 और यहाँ पे कितनी वैल्यू है 2, तो 1 + 2 = 3, तो एल की वैल्यू 0 1 2 3 4 एस पी डी एफ, 3 के लिए एफ, ठीक है। तो मेरे पास एफ तो है ही, एल की वैल्यू दोनों ही केसेस में, बस चेंज कहां पर आएगा, स्पिन में। अगर मैं इसकी वैल्यू 1 रखू, एस की वैल्यू यहाँ पर, तो 2 × 1 2 + 1 3, तो 3f, और अगर 0 यहाँ पे रख दू तो क्या हो जाएगा 1f, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, दो एटॉमिक टर्म्स इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इस तरह एग्जाम्पल आप कर लोगे आप, उसके बाद आ जाएगा हमें मेटल कॉम्प्लेक्स, मतलब कोई मेटल गिवन है, जैसे यहाँ पे मेटल के टाइम हमें गिवन है ये है, ठीक है। इसके लिए हमें निकालनी है एटोमिक टर्म, हम कैसे निकालेंगे, वैनेडियम क्या होता है 4s2 3d, स्कैंडियम पैटेनियम वैनेडियम 3d3, ये होता है, हमें क्या चाहिए वैनेडियम 3+, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकले और यहां से एक, तो क्या बच गया d2, ठीक है। अब बस यहां तक आपको करना था, उसके बाद क्या है, हम पहले करते थे वैसे ही करेंगे। अब बात कर रहे हैं, हमें 3, 4 से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ d2 से मतलब है, तो यहाँ पे हमने रखा d2, d2 के केस में क्या होता है 1 2 3 4 5 + 2 + 1 0 - 1 - 2, दो इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, हमने इस तरह से फिल कर दी, ठीक है। स्पिन देखते हैं, अब स्पिन कितने हैं यहाँ पर, दोनों ही यहाँ पे, हमें s1 s2 लेने की नीड नहीं है, डायरेक्टली फिल जब करेंगे इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे ही फिल करते हैं, तो क्या हो जाएगी 1/2 + 1/2, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन 1/2 होती है, यहाँ पर है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो s की वैल्यू हो जाएगी 1, इसमें यहाँ पर वाली s की वैल्यू 1। उसके बाद हमें लिखनी है l की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, +2 + 1 + 2 + 1, इस वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए +2 वैल्यू है, इसके लिए +1 है, तो +2 + 1 = +3, और 3 के लिए क्या होता है 0 1 2 3 एस पी डी एफ, 3 के लिए होता है एफ। तो हम क्या करेंगे, 2s+1 हमें चाहिए, 2s+1 और यहाँ पे एल, तो एल क्या है एफ, और 2s+1 के लिए एफ की वैल्यू है 1, तो 2 × 1 2 + 1 3, ये हो गया आपका एटॉमिक टर्म वैनेडियम 3+ के लिए। ऐसे आप निकल 2+ और क्रोमियम 3+ के लिए इजीली निकाल सकते हो, नाइट्रोजन के केस में भी ऐसे ही निकलेगी,
अब मैं फटाफट करवाती हूँ बाकी। निकिल टू प्लस, निकिल टू प्लस मतलब डी एट, ठीक है। फिर करते हैं यहाँ पर डी एट, वन टू थ्री फोर फाइव, इस तरह से प्लस टू प्लस वन जीरो माइनस वन माइनस टू, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव, क्योंकि पहले क्या होता है हम रूम के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, इसको पेयरिंग नहीं करवाएंगे, पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। फाइव आ गए, सिक्स सेवन एट, ठीक है। अब हमें चाहिए एस की वैल्यू क्या होगी, कितने इलेक्ट्रॉन है वन। अब देखो अगर इसकी हाफ है वैल्यू स्पिन, तो इसकी क्या है माइनस हाफ, तो ये जीरो होगी। ऐसे प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो, प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो, प्लस हाफ प्लस हाफ, यहाँ पे कितना जाएगा हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू वन। इतनी ही है स्पिन, क्योंकि तो एक दोनों क्या कर रहे हैं दूसरे को कैंसिल आउट करें, तो स्पिन हमारे पास हो जाएगी हाफ प्लस हाफ वन। अब हमें चाहिए एल की वैल्यूज, इसको ध्यान से देखो कैसे निकालते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए भी वैल्यू है प्लस टू, इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी क्या है प्लस टू, कर लेंगे हम प्लस टू प्लस टू, इसके लिए वन, इसके लिए भी वन, तो प्लस वन प्लस वन, इसके लिए जीरो, इसके लिए भी जीरो, तो प्लस जीरो प्लस जीरो, इसके लिए माइनस वन, इसके लिए माइनस टू, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, टू प्लस टू फोर, फाइव सिक्स, सिक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू थ्री, तो थ्री के लिए होता है एफ। और टू एस प्लस वन की वैल्यू कितनी है, टू एस प्लस वन, टू इंटू वन प्लस वन, थ्री थ्री एफ, इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। ऐसे आप निकालोगे क्रोमियम थ्री प्लस के लिए, बात करते हैं क्रोमियम 3 प्लस की, तो क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s1 3d5। अब मुझे अगर लेना है क्रोमियम 3 प्लस, मुझे तीन इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो एक यहां से निकला, दो यहां से निकले, मेरे पास बचा d3। लिखते हैं फिर से वही, प्लस वन प्लस टू प्लस वन जीरो माइनस वन माइनस टू, इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने हैं तीन, ऐसे, ठीक है। अब देखते हैं स्पिन काउंट करते हैं, हाफ हाफ हाफ, तो हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ कितनी हो जाएगी, थ्री बाय टू, थ्री बाय टू। और जो एल की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए प्लस टू, इसके लिए प्लस वन, इसके लिए जीरो, तो टू प्लस वन प्लस जीरो इज इक्वल टू थ्री, एस पी डी एफ जीरो वन टू थ्री, तो थ्री के लिए क्या होता है एफ, यहां से आया एफ। और टू एस प्लस वन की वैल्यू कितनी होगी, एस इस बार कितना है थ्री बाय टू प्लस वन, टू से टू कैंसिल, थ्री प्लस वन फोर, तो इस बार क्या हो जाएगा टू टर्म फोर एफ, ठीक है। नाइट्रोजन के लिए देखते हैं, हमारे पास ये सारे हमने कर लिए, बचा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होता है 1s2 2s2 2p3, तो हमें जो आउटर मोस्ट है वो क्या है 2p, मतलब 1s2 नाइट्रोजन के लिए 1s2 2s2 2p3, है ना। तो इनको देखने की कोई नीड नहीं है, हम सिर्फ देखते हैं जो अनपेयर्ड वाला होता है उसको, तो यहाँ पे पी ऑल्सो लिखते हैं ये, और कितने इलेक्ट्रॉन है तीन, प्लस वन जीरो माइनस वन। स्पिन देखेंगे, क्योंकि देखो अगर आप ये देख भी रहे हो ना तो भी आपको कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मैं आपको ना बाद में करके दिखाते हैं, पहले हम ये करते हैं। स्पिन कितनी होगी, तीन इलेक्ट्रॉन्स है, एक ही स्पिन होती है हाफ, तो हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ कर लो, या फिर थ्री टू हाफ करके थ्री बाय टू कर लो, ठीक है। और एल कैसे होगा, इसके लिए प्लस वन, इसके लिए जीरो, इसके लिए माइनस वन, तो प्लस वन प्लस जीरो माइनस वन, माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आई जीरो। और एल की वैल्यू जब जीरो होती है तो सिंपल क्या होता है एस, और यहां से s की वैल्यू 3 बाय टू है, तो 2s प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 3 बाय टू प्लस 1, कैंसिल हो गया 4, तो हमारे पास क्या है 4s, ठीक है। इस तरह से निकल गया हमारा। अब मैं आपको बोल रही थी अगर आप ये भी कंसीडर करते हो तो इस पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, फिर भी आपकी टर्म यही रहेगी। रीजन अगर मैं 2s2 यहां पर ड्रॉ करूं, यहां पर 1s2 करूं, दो इलेक्ट्रॉन्स दो इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम स्पिन काउंट करते हैं तो यहां पर क्या प्लस 1 माइनस 1 जीरो हो गया, प्लस वन माइनस वन जीरो हो गया, तो यहाँ पे इसमें अगर मैं जीरो ऐड करूँ तो कुछ बचेगा थोड़ी, रहेगा तो भाई थ्री बाई टू, है ना, तो स्पिन तो सेम नहीं। उसके बाद एल की वैल्यू देखते हैं, ये क्या है, इसके लिए भी जीरो, ऐसे ना एस ऑर्बिटल उसके लिए क्या होते हैं जीरो, तो यहाँ पर अगर मैं जीरो जीरो ऐड भी कर लूँ तो मेरा ये एस ही रहेगा। इसलिए जो फील्ड है कम्प्लीटली फील्ड होते हैं, हमको हम नहीं देखते, हम सिर्फ देखेंगे यहाँ पे वेरिएशन है, और स्पेशली यहाँ पे एस फील्ड होता है वहां पे नहीं देखेंगे, क्योंकि स्पिन फील्ड होने की वजह से प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल हो जाएगी, और एस के लिए हमारे पास जीरो होती है एल की वैल्यू। तो इस तरह से हमने क्या किया, सिर्फ 2p3 का निकाल दिया, हमारे पास आएगा 4s। अगर आप एग्जाम में भूल जाते हो यहां से भी स्टार्ट करते तो कोई बात नहीं, आंसर फिर भी सेम आएगा, ओके। अब एक लास्ट है, अगर आपको एग्जामिनर इस तरह से दे दे कि d4 लो स्पिन के लिए आपको बतानी है एटॉमिक काउंट, तो क्या होगी d4 लो स्पिन,
ठीक है, लोस मिलने वाला क्या है, पेयरिंग करवानी है ना। जैसे हम करते हैं तो हम क्या करेंगे, जैसे हम टी टू जी और ई जी ड्रॉ करते हैं वैसे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब आप इसको लिखोगे कैसे, जैसे हम पहले लिखते आ रहे थे, सपोज करो मैं ऐसे बनाऊ ऐसे, तो क्या लिखोगे, प्लस टू प्लस वन जीरो माइनस वन माइनस टू, है ना, ऐसे लिखते थे। मतलब स्टार्ट करते सबसे हाईएस्ट वाले से, एक ही माइनस करते जा रहे हैं, प्लस वन माइनस वन, सॉरी प्लस टू माइनस वन वन, वन माइनस वन जीरो, जीरो माइनस वन माइनस वन, माइनस वन माइनस वन माइनस टू। तो आप वैसे ही यहां पर भी करोगे, प्लस टू प्लस वन जीरो माइनस वन माइनस टू, इस तरह से। आप क्या करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन स्पिन करने हैं, फोर, और लो स्पिन है, लो स्पिन का मतलब पेयरिंग है वहां पर, तो वन टू थ्री फोर। अब हमारे पास हमें सिस्टम बताना है टर्म, तो सबसे पहले स्पिन देख लेते हैं, प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल होगी, प्लस हाफ वन, टू एस प्लस की वैल्यू, टू एस प्लस वन की वैल्यू, टू इंटू वन प्लस वन जो कि रहेगी थ्री। एल की वैल्यू निकालते हैं, इसके लिए प्लस टू, इसके लिए भी प्लस टू, तो प्लस टू प्लस टू, इसके लिए प्लस वन, इसके लिए जीरो, प्लस वन प्लस जीरो, टू प्लस टू फोर, फोर प्लस वन फाइव आ गया। टू एस प्लस वन की वैल्यू थ्री है और एल की वैल्यू है फाइव, एल की वैल्यू जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, एस पी डी एफ जी एच, फाइव के लिए क्या होता है एच, तो यह हो गया हमारा एटॉमिक टाउन। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है एटॉमिक टाउन पे अगर क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं में से कोई पैटर्न का वो क्वेश्चन पूछेंगे। मैंने आपको हर पैटर्न करवा दिया है, आप ट्राई कर सकते हो प्रीवियस क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Thank you.